नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश की जब से सीएम योगी ने कमान संभाली है तब से ही वो अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। जो भी प्रदेश की शांति व्यवस्था में बाधा डालने की कोशिश करता है उसे सूबे के भगवाधारी मुखिया ऐसा सबक सिखाते हैं कि आगे से कोई और भी ऐसा करने की सोच भी ना सके। कुल मिलाकर सीएम योगी का लक्ष्य है कि यूपी से गुंडाराज को खत्म करना, तभी यहां विकास और तेजी से होगा। खासकर राजनीति का चोला ओढ़कर लोगों के बीच खौफ जमाने वाले नेताओं पर भी कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। इसी बीच बलरामपुर से सपा के पूर्व सांसद रहे और पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं में शामिल रिजवान जहीर की योगी सरकार ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि योगी सरकार ने उन पर रासुका यानी कि एनएसए लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल 26 अप्रैल को तीसरे चरण के पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान लोकी कला गांव में हुई आगजनी और बवाल के बाद पुलिस ने रिजवान जहीर को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस रिजवान के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है। इसी आपराधिक इतिहास को आधार बनाकर रिजवान जहीर पर और शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रिजवान जहीर अपने राजनीतिक करियर में 28 साल बाद फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। इसके पहले आखिरी बार 1993 में जेल गया था। रिजवान जहीर 26 अप्रैल 2021 को पंचायत चुनाव के बाद हुई हिंसा और आगजनी के मामले में आरोपी है। जिला पंचायत क्षेत्र नवार नगर से पूर्व सांसद रिजवान जहीर की पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उमर रिजवान बसपा समर्थित उम्मीदवार है। इस बार इसी क्षेत्र से कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह की पत्नी अरुणिमा सिंह चुनाव लड़ रही थी। मतदान के दिन देर शाम बैली खुर्द गांव में पूर्व सांसद के दामाद रमीज अहमद का दीपांकर सिंह और उनके समर्थकों से विवाद हो गया। देखते देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसमें रमीज अहमद समेत 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसी बीच रिजवान जहीर के समर्थकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दीपांकर सिंह और उनके समर्थक अपने वाहन छोड़कर भाग निकले। इसके बाद दीपांकर सिंह की 2 लग्जरी गाड़ियों में आग लगा दी गई, जबकि 2 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस दौरान रिजवान जहीर के समर्थकों ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता भी की थी। डीएम श्रुति और एसपी हेमंत कुटियाल ने मौके पर पहुंचकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी। रात में ही पुलिस ने टीम गठित कर पूर्व सांसद रिजवान जहीर और कांग्रेसी नेता दीपांकर सिंह समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजनीति में आने से पहले रिजवान जहीर की छवि एक दबंग अपराधी के रूप में थी। रिजवान जहीर पर जिले के अलग अलग थानों में कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। रिजवान जहीर हरैया थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। अब पुलिस ने रिजवान जहीर के गुनाहों की फहरिस्त खोल कर रख दी है और एक एक गुनाह का हिसाब लेने की तैयारी शुरू हो गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।